बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखे थे, जिनमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं वो देखा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखा था और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन देखा था, और ये भी सीखा था कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई ऐसा चीज आ जाती है तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बिना कैलकुलेशन को करे हम कैसे बताएंगे कि कौन सा लॉ लग रहा है, राइट। हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी देखा था जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दोनों लग रहे थे, राइट। आज हम लोग शुरू करेंगे आगे की चर्चा। आज हम पढ़ेंगे गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम। ठीक, अगर मैं आईआईटी जेई की बात करूं तो आज से जो मैं पोर्शन शुरू कर रहा हूं यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, राइट। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से आज तक जेई ने क्वेश्चन नहीं पूछा डायरेक्टली, राइट। और पीछे की हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वो सब बेसिक्स थे, हालांकि सिग्निफिकेंट फिगर्स से क्वेश्चन आए थे, बट आज से जो हम पढ़ने शुरू करने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में लगेगा। रियल अगर मैं बोलूं तो मूल की शुरुआत आज से हो रही है, राइट। इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है और जो टफनेस है वो यहां से शुरू होती है, तो ध्यान से पढ़िएगा और हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, बहुत बेसिक एग्जाम्पल से बहुत एडवांस लेवल एग्जाम्पल तक जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग गे-लुसैक लॉ देखेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखेंगे और एवोगैड्रोस लॉ देखकर जेई के कुछ तीन चार क्वेश्चन करेंगे जो कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले गे-लुसैक लॉ में, ये गे-लुसैक लॉ गे-लुसैक ने दिया था 1808 में। क्या कहता है ये लॉ, सबसे पहले डेफिनेशन लिखें इसकी, ये स्टेटमेंट लिखें, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले तो इसमें अंडरलाइन करें कुछ बातें। ये लॉ गैसेस के लिए है, राइट, और ये सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर होनी चाहिए, सारी गैसेस तब लगता है, और ये कहता है कि जो वॉल्यूम है वो सिंपल रेशियो में कंबाइन करता है। इसका मतलब क्या, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ये लॉ कहता क्या है। ये लॉ कहता है, मान लो आपके पास एक रिएक्शन है 3H2+N2 गिविंग 2NH3। रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे रिवर्सिबल वगैरह, अभी हम नॉर्मली कर रहे हैं, बस हमें मोल समझना है। तो अब देखो, अगर मैंने आपसे पूछा कि H2N2 और NH3 रिएक्ट करेंगी, तो गे-लुसैक क्या कहता है इस रिएक्शन के बारे में। गे-लुसैक कहता है कि अगर आप H2 का वॉल्यूम ले लेते हो X, ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्शन कहती है कि H2 के तीन वॉल्यूम नाइट्रोजन के एक वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करते हैं और अमोनिया का दो वॉल्यूम बनता है। ध्यान से समझते रहना, हाइड्रोजन के थ्री वॉल्यूम नाइट्रोजन के वन वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करते हैं, अमोनिया का टू वॉल्यूम बनता है। इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो नाइट्रोजन का आप जितना भी वॉल्यूम लोगे गैस का, उससे तीन गुना ज्यादा आपको हाइड्रोजन का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, और उन दोनों की जब रिएक्शन कराओगे तो नाइट्रोजन के वॉल्यूम से दुगने वॉल्यूम की अमोनिया गैस आपको मिलेगी, ऐसा गे-लुसैक लॉ कहता है। यानी कि अगर आपने हाइड्रोजन के 100 ml लिए, ठीक है, तो आपको नाइट्रोजन के, या फिर मान लो इधर 150 ml लिए, तो आपको नाइट्रोजन के 50 ml लेने पड़ेंगे और अमोनिया के 100 ml बनेंगे। तो अगर रेशियो निकालोगे तो 3:1:2। तो जो आगे कॉफिशियंट लगे हैं आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से पहले, उनके रेशियो और वॉल्यूम के रेशियो बराबर होने चाहिए, ठीक। दूसरी बात, ये लॉ केवल और केवल गैसेस पर लगता है,
इसका मतलब जैसे अगर मैंने आपसे कहा सी सॉलिड प्लस ओ टू गैस गिविंग सीओ टू गैस, क्या इसमें गे लुसैक लॉ लगेगा? आप कहोगे हाँ लगेगा, पर सर अभी तो आपने बोला कि सॉलिड्स पर लगता नहीं है। तो मैंने कहा बेटा कार्बन पर मत लगा, ऑक्सीजन और सीओ टू पर तो लगा सकता है ना। क्या बोलोगे कि सर अगर ओ टू के 100 ml लिए तो सीओ टू के भी 100 ml बनेंगे, अगर ओ टू के 20 ml लिए तो सीओ टू के भी 20 ml बनेंगे। मैंने कहा कैसे निकाल रहा है? तो बोले सर यहाँ पर 1 और 1 है, इसका मतलब 1:1 का रेशियो होना चाहिए। तो 100:100, 1:1, 20:20, 1:1। मैंने कहा बहुत बढ़िया, एक और करिए। CaCO3 सॉलिड गिविंग CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। मैंने कहा क्या इसमें गे लुसैक लॉ लगेगा? आपने कहा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सर एक ही गैस है, मैं इसका रेशियो निकालूं किसके साथ? दूसरी गैस तो है ही नहीं। तो गे लुसैक लॉ लगाने के लिए आपकी रिएक्शन में या आपके रिएक्टिंग मिक्सचर में कम से कम 2 गैसेस होनी चाहिए। कब? सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर। ये पूरी कहानी जितनी भी हमने पढ़ी अलग अलग रिएक्शन में, हम ये मानकर चल रहे थे कि हर रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर पूरी रिएक्शन के दौरान कॉन्स्टेंट कर लिया गया है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। अभी पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको आज ही की क्लास में जेई के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम इफ 100 ml ऑफ PH3 फोस्फीन गैस डीकंपोज टू गिव सॉलिड फॉस्फोरस एंड H2 गैस। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले तो कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम इफ 100 ml ऑफ PH3 डीकंपोज। सो आपके पास PH3 एक गैस है, फॉस्फीन नाम होता है इसका। जब ये डीकम्पोज करेगी, डीकम्पोज मतलब हीट कर रहे होगे, डीकम्पोज कर रही होगी, टूट रही होगी, तो वो बनाएगी सॉलिड फॉस्फोरस। मैंने क्लास 10th में आपको सिखाया था सॉलिड फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है P4। जैसे हाइड्रोजन H2 होती है, ऑक्सीजन O2 होती है, ऐसे ही आपकी जैसे ओजोन O3 होती है, ऐसे ही फॉस्फोरस P4 होता है, सल्फर S8 होता है, राइट? तो P4 प्लस H2 बनेगा। रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करें। रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब मुझसे कह रहा है इसके 100 ml आपने लिए थे, तो बताइए आपको चेंज इन वॉल्यूम कितना मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो ये गैस है, ये सॉलिड है, वो बोल रहा है खुद ही सॉलिड फॉस्फोरस एंड H2 गैस। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी 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 लार्जर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज नेग्लिजिबली लार्जर बट सिमिलर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ऐसा सीन रहता है। अगर नहीं पता तो आप जान लीजिए कि सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम लगभग बराबर रहता है। सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होगा लिक्विड का, लेकिन गैस का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा एक कमरा है, मैंने उसमें 100 ग्राम पानी रख दिया, ठीक है, तो कितना वॉल्यूम होगा? सर 100 ग्राम पानी थोड़ी सी जगह घेरेगा, बहुत चुनू सा वॉल्यूम होगा रूम का जो वो घेर रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा उसी 100 ग्राम पानी की मैंने आइस बना दी, अब कितना वॉल्यूम गिरेगा? आपने कहा सर कौन सी, आपने तीर चला दिए, आइस बना दी उसको भी रख दो साइड में, वो भी बहुत चुनू सा वॉल्यूम गिरेगा। ठीक है। मैंने कहा अब मैंने उस पानी को वेपराइज कर दिया, तो बताओ कितना वॉल्यूम गिरेगा? आपको सर पानी के वेपर पूरे रूम में फैल जाएंगे। इसका मतलब पानी के वेपर का वॉल्यूम क्या हुआ? जो रूम का वॉल्यूम। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी 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 लार्जर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। सो इन फ्रंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस वी कैन नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। बहुत बढ़िया। और गे लुसैक लॉ तो सॉलिड्स पर लगता ही नहीं है, तो गे लुसैक लॉ क्या कहेगा? कहेगा 4 ml से बनता है 6 ml, 4 ml से बनता है 6 ml,
तो 1 ml से बनेगा 6/4 ml, तो 100 ml से बनेगा 6/4 × 100 ml, ये हो गया 25, 25 6 150 ml, यानी कि 100 ml जब पूरी खर्च हो जाएगी तो 150 ml इसके बन जाएंगे। P4 कितना बनेगा? सर नहीं बता सकते, गेल उससे फेल हो जाता है सॉलिड का निकालने में। तो फिर रिजल्ट गलत नहीं आएगा? सर नहीं आएगा, हम निकालते भी तो इतना कम आता वो सॉलिड का वॉल्यूम कि हम उसको नेगलेक्ट तो वैसे भी करने वाले थे। ठीक है, अच्छी बात है। अब कोई कहेगा सर मुझे ये समझ नहीं आता कि 4 से 6 बने तो 1 से ये बनेगा, 100 से कितने बनेंगे। मैंने कहा तो मैं तुम्हें दूसरी ट्रिक बताता हूं। क्या? इसका कॉफिशियंट लिख लो अपॉन में उसी का वॉल्यूम लिख लो, इज इक्वल्स टू, इसका कॉफिशियंट लिख लो अपॉन में जो निकालना है वो लिख लो कि इसका कितना वॉल्यूम बनेगा। अब तो निकाल लोगे। आपने कहा कैसे? कि 4x इज इक्वल टू 6 × 100, दैट मींस x इज इक्वल टू 6 × 100/4, अगेन इट इज 150। तो जैसे आपका मन करे वो कर सकते हो। ये एक बढ़िया रूल है, इसको याद रखिएगा कि जब भी आपको एक चीज का वॉल्यूम दे रखा हो और एक चीज की स्टोइकोमेट्री पता हो और दूसरी चीज की केवल स्टोइकोमेट्री पता हो और पता लगाना हो कि उससे कितना बनेगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, राइट? अभी इसको और अप्लाई करेंगे, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक। और बाकी आपका यूनिटरी मेथड तो है ही है। तो 150 ml बन गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या ये पूछा था हाइड्रोजन कितनी बनेगी? ना, क्वेश्चन में पूछा था चेंज इन वॉल्यूम, तो सर बाद में 150 बना, पहले 100 था, चेंज आया 50 ml का, आंसर हो गया 50 ml, आंसर हो गया 50 ml। तो ये था आपका गेलोसेक लॉ। इसको अभी होल्ड करते हैं, अभी लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे खूब सारे। पहले थोड़ा सा मैं आपको डाल्टन्स और एवोगैड्रो के बारे में भी बताता हूं। तो अगली हेडिंग लगाइए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है ये थ्योरी? चलिए कुछ बातें लिखते हैं सबसे पहले इसके बारे में। डाल्टन ने बोला था मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर जो बना होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल से बना होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन आप एटम को तोड़कर कुछ और उसके अंदर से नहीं निकाल सकते, यानी कि डाल्टन के अनुसार एटम से छोटी कोई चीज नहीं होती थी तब के जमाने में, राइट? ये एटम शब्द आया कहां से था? एटम शब्द डिराइव हुआ था फ्रॉम एटोमियो से। ए एंड टोमियो दो अलग अलग हैं, इसका मीनिंग होता है ग्रीक में इनडिविजिबल। इसका मीनिंग ग्रीक में होता है इनडिविजिबल। दूसरी बात क्या बोली उसने? दूसरी बात बोली, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। किसी भी गिवन एलिमेंट के सारे एटम्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे हर रेस्पेक्ट में। हर रेस्पेक्ट मतलब उनका साइज सेम होगा, उनकी शेप सेम होगी, उनका मास सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। CPPP क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मैंने आपको दिया एक लोहे का एक एलिमेंट दे दिया, ठीक है ना, मैंने आपको एक लोहे की बॉल दे दी, मैंने आपसे कहा इसमें से ना तोड़ तोड़ के एक एक एटम निकालो और सबकी प्रॉपर्टी चेक कर कर लाओ, तो आप क्या करोगे? सर तो देख नहीं रहे, एक एटम की प्रॉपर्टी निकाल लेता हूँ बस, और सबकी कह दूंगा सेम है, और कह दूंगा सर से कि मैंने सबकी अलग अलग निकाली थी। क्यों? क्योंकि मुझे डाल्टन का एक चीज पता है। डाल्टन कह के गया था कि अगर किसी एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम है तो वो सारे एटम कैसे होंगे? आइडेंटिकल। अच्छी बात है। दूसरी बात उसने और बोली, क्या? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हर रेस्पेक्ट में डिफरेंट होंगे, यानी कि ना साइज सेम होगा, ना मास सेम होगा, ना शेप सेम होगी, ना केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, ना फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। अगली बात, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे कंबाइन। Atoms of different elements may combine with each other in a fixed, simple whole number ratio. In a fixed, simple whole number ratio to form compounds. यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे फिक्स्ड और सिंपल होल नंबर रेशियो में। इसकी हम चर्चा खूब कर चुके हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, ठीक है। अगली बात उसने क्या बोली, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसीलिए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आया, राइट। तो ये वाला जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, ये वाला जो पोस्टुलेट है डाल्टन का, वो एलओसीपी को बताता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, और ये बताता है एलओसीएम को, राइट। और ये तो बाकी के भी बताता है मल्टीपल प्रोपोर्शन वगैरह सबको। तो इसलिए ये दोनों जो पोस्टुलेट हैं वो सारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को बताते हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूं, ठीक। तो ये थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, चार स्टेटमेंट लिख देगा, बोल देगा अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट स्टेटेड बाय और गिवन बाय डाल्टन। तो आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, बस सिंपल सा है। अगला लॉ बहुत काम का लॉ, और ये आगे आने वाले समय में हर जगह लगेगा। कुछ नहीं, जो गेलोसाइक ने कहा था कुछ वैसी वैसी बातें एवोगैड्रो ने कही है, शब्दों का फेर है बस। क्या कहता है एवोगैड्रो देखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड pressure contain equal number of molecules। ये क्या बात हुई भाई, वो कहना चाह रहा है आपके पास दो गैस हैं, मैंने दोनों गैस के आपको 25 ml 25 ml दिए, ठीक, और दोनों गैस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हैं। अगर मैंने आपसे कहा गैस ए के अंदर 25 ml पर गैस ए के 10 मॉलिक्यूल हैं, तो आप खुद समझ जाना कि 25 ml में गैस बी में भी उस टेम्परेचर और प्रेशर पर 10 मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। Volume is directly proportional to number of molecules, ठीक। और यही चीज आपकी moles पर भी apply होती है, ठीक है। तो यहां पर n चाहे आप molecules लिख लो, अभी हमने मोल पढ़ा नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूं, जब हम मोल पढ़ लेंगे तो ये आपको प्रूफ हो भी जाएगा, यही चीज moles के लिए भी अप्लाई होती है। तो मैंने आपसे कहा मेरे पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, मैंने आपसे कहा 25 ml में इसके किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर 10 मोल है, ऐसी हाइपोथेटिकल डेटा ले रहा हूं। तो बताओ 25 ml ऑफ ऑक्सीजन में कितने होंगे, आपने कहा सर 10 मोल ही होंगे। मैंने आपसे कहा 25 ml में मान लो 10 करोड़ मॉलिक्यूल हैं, ऐसी रैंडम, तो O2 के कितने होंगे 25 ml में, सर 10 करोड़ मॉलिक्यूल ही होंगे।
याद रखना मैंने डेफिनेशन में मॉलिक्यूल बोला है और मोल बोला है, मैंने मास नहीं बोला, मैंने एटम्स नहीं बोले, ठीक है? तो नीचे चाहो तो नोट करके लिख लो, एटम्स और मास की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है वो इक्वल आ जाए, हो सकता है वो इक्वल ना आए, हम उन पर कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, और मोस्टली केसेस में वो अलग ही आएंगे। मैं केवल दो चीजों पर कमेंट कर रहा हूं, मॉलिक्यूल्स सेम होंगे और मोल सेम होंगे, अगर वॉल्यूम सेम है तो, और टेम्परेचर और प्रेशर आपने सेम रखा है तो। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा, फिर उसके बाद हम करेंगे जेई के क्वेश्चंस। क्वेश्चन लेके हैं, 1 मोल ऑफ हीलियम गैस, 1 मोल ऑफ हीलियम गैस फिल्स अप एन एम्प्टी बलून टू अ वॉल्यूम ऑफ 1.5 लीटर। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द बलून इफ एन एडिशनल 2.5 मोल्स ऑफ हीलियम गैस इज एडेड। ब्रैकेट में लिखा हुआ है अज्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था वो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ही वैलिड था। तो करिए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को करें और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें, पहले सॉल्यूशन ना देखें। तो देखो, अगर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल एन है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू इनिशियल मोल अपॉन फाइनल मोल्स, राइट? सिंपल मैथमेटिक्स। अगर कोई चीज ए और बी आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू होता है। अगर आपको ये वाली चीज नहीं पता थी तो अब जान लीजिए, ठीक है? चलिए, अच्छा, मुझसे कह रहा है क्वेश्चन में आपके पास 1 मोल हीलियम गैस थी, यानी कि आपके पास N1 था, वन, और फिल्स अप एन एम्प्टी वॉल्यूम बलून टू अ वॉल्यूम ऑफ 1.5 लीटर, यानी कि V1 भी है आपके पास 1.5 लीटर। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द बलून, V2 आपसे पूछ रहा है, इफ एन एडिशनल ऑफ हीलियम गैस इज एडेड। कितना? 2.5 मोल। याद रखना, 2.5 मोल एक्स्ट्रा ऐड करें हैं, फाइनल मोल्स 2.5 नहीं है, एक तो ऑलरेडी उस बलून के अंदर थे, आपने बाहर से 2.5 और डाल दिए तो अंदर अब कितने हो गए? 3.5। तो N2 हो गया 3.5। बस अब क्या, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 कर दीजिए, और यहां से जब आप B2 निकालोगे तो वो 5.25 लीटर आएगा। कैलकुलेशन है, सिंपल सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको एवोगैड्रो रिलेटेड या फिर गेलोसेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करने होंगे। चलिए अब कुछ जेई के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपका आया है 25 जुलाई, मैं आपको डेट्स भी बताता चलता हूं, 2022, 2022 का क्वेश्चन है, 25 जुलाई को आया था। क्वेश्चन लिखिए, 56 लीटर ऑफ N2 गैस इज मिक्स्ड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड इट इज फाउंड दैट
20 लीटर ऑफ अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो आपको बताना है द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड नाइट्रोजन गैस इज फाउंड टू बी। ये आपको करना है, ठीक है? तो वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको कराऊंगा। चलिए देखते हैं, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। लेट्स सी, आपके पास है N2 प्लस H2, ये आपको देता है अमोनिया। सबसे पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करें, यहां पर 2 लगाएं, यहां पर 3 लगाएं, रिएक्शन बैलेंस हो गई। आपसे कह रहा है आपके पास 56 लीटर है इसके, ये सब गैसेस है राइट। तो जैसे ही आपने गैसेस देखी और वॉल्यूम देखा, आपके दिमाग में तुरंत चमका गेलोसेक लॉ या फिर एवोगाड्रोज लॉ, ठीक है? आपको पता है 56 लीटर आपने N2 ली और हाइड्रोजन आपकी एक्सेस में थी, पता ही नहीं है कितनी थी, बहुत सारी थी, भाड़ में जाए। और आपको पता चला 20 लीटर ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई, ठीक है? यानी कि कुछ इसकी रिएक्शन हुई होगी, 56 में से कुछ एक्स कम हुआ होगा और यहां पर 20 लीटर बन गया, ठीक है? तो बताओ कितना वॉल्यूम N2 का ऐसा ही पड़ा रह गया, यानी कि यूज ही नहीं हुआ, यानी कि अनरिएक्टेड N2 मुझे बतानी है। तो पहले तो ये निकाल लो कितना रिएक्ट करा। सर कैसे निकालें? तो गेलोसेक लगाओ, अगर 1 ml रिएक्ट करता है 2 के साथ, फिर से अगर 1 ml N2 का रिएक्ट करता है 2 ml NH3 के साथ, तो कितना ml रिएक्ट करेगा 20 लीटर के साथ, या कितना लीटर बनाएगा 20 लीटर। अगर 1 ml N2 बनाती है 2 ml NH3, तो कितना लीटर N2 बनाएगी 20 लीटर NH3। आपने कहा सर 10। कैसे? क्यों? 1 अगर 2 बनाती है तो 20 कितनों ने बनाए होंगे? सर 10 ने। सर हमको नहीं समझ में आता ये 10 वगैरह, आप हमें लॉजिक से दूसरे तरीके से समझाओ। तो मैंने कहा ठीक है, 1 upon x = 2 upon 20। क्यों? 1 इसकी स्टोइकोमेट्री, 2 इसकी स्टोइकोमेट्री, या इसके कॉफिशियंट राइट। इसका आपको पता है वॉल्यूम, इसका निकालना है कितना रिएक्ट करके 20 बना होगा। आपने इसको काटा, 1 upon 10, x की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब 56 में से 10 लीटर रिएक्ट कर गया होगा, बचा कितना होगा 46 लीटर, और ये हो गया आपका आंसर। 4 मार्क्स आपके खाते में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, दो बार आया है सेम क्वेश्चन। पहले आया था ये 9 अप्रैल 2016, मतलब पहले आया था ये 25 अप्रैल 2013 में, फिर यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 9 अप्रैल 2016 में। तो मैंने आपको दोनों डेट्स भी बता दी, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। तो दो बार पूछा है, जेई ने काफी इज्जत दी है इस क्वेश्चन को। 5 लीटर ऑफ एन एल्केन, और इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, वो सीखना रिक्वायर्स, वो आपके बहुत काम आएगी आगे चलकर, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जेई का प्रिय है वो रिएक्शन, वो आप एज इट इज रट लेना। 25 लीटर है यहां पर,
ये है आपका क्वेश्चन। तो थोड़ा सा टाइम ले, सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको कराऊंगा। इससे पहले एक चीज समझ लें, देखिए कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, राइट, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CXHY, ठीक है, एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है, राइट, या फिर कोई भी चीज हो CXHYOZ, यानी कि उसमें ऑक्सीजन भी हो, ऐसे कोई भी हो, चाहे कार्बन और हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड हो, या फिर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोई भी कंपाउंड हो, मुझे नहीं पता, ठीक है, जब भी आप इसकी रिएक्शन O2 के साथ करवाओगे तो फिक्स है आपको CO2 प्लस H2O ही मिलेगा। जब भी इसकी रिएक्शन O2 के साथ करवाओगे तो फिक्स है आपको CO2 प्लस H2O ही मिलेगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, यहां पर कार्बन X है, यहां पर X लगा दो, यहां पर हाइड्रोजन Y है, यहां पर Y अपॉन 2 लगा दो, और यहां पर लगा दो X प्लस Y अपॉन 4। ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको एज इट इज ऐसे ही याद कर लो विद बैलेंसिंग, ये आपके बहुत काम आएगी। मतलब जेई ने आज तक जितने सवाल पूछे हैं गैसेस पर और स्टोइकोमेट्री पर, उसमें से लगभग लगभग 50-60% क्वेश्चन इसी रिएक्शन के। अब सोचो, तो वहां पर बैलेंस करने नहीं बैठना है, इस रिएक्शन को ऐसे ही याद कर लो, ठीक है, अगली वाली खुद बैलेंस करना, अभी मैं इसको हटा रहा हूं, अभी हमारे काम की नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं लगेगी, पर ये आपको बैलेंस करनी है, ये आपका होमवर्क है। चलिए, तो ये मेरी हो गई रिएक्शन। अब मुझसे कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है मेरे से, कि आपके पास 5 लीटर है एल्केन का, ठीक है, एल्केन क्या है मेरा CXHY, क्योंकि मुझे नहीं पता ना एल्केन का क्या फॉर्मूला है, राइट, मुझे बस जनरल फॉर्मूला पता है कि CnH2n+2 होता है, लेकिन मुझे एक्चुअली तो फॉर्मूला नहीं पता, तो मैंने मान लिया CXHY, ठीक है। कुछ लोग, अच्छा एक चीज और, क्योंकि ये एल्केन है ना, तो कुछ लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि CnH2n+2, वो रिएक्शन कर रहा है O2 के साथ और बना रहा है CO2+H2, राइट, तो वो हो सकता है N के टर्म में बैलेंस करें। तो कैसे होगा ये, यहां पर लगा देंगे N, यहां पर लगा देंगे N+1 और यहां पर लगा देंगे 3N+1/2। बात एक ही है, चाहे आप ऊपर वाले तरीके से करो, चाहे आप नीचे वाले तरीके से करो, नीचे वाला केवल एल्केन के लिए है, ऊपर वाला सबके लिए है, सबके लिए, ठीक। तो मैं तो आपको कहूंगा आप ऊपर वाला ही रटें, लेकिन हाँ किताबों में और कुछ लोग आपको नीचे वाले तरीके से भी करवाएंगे, तो आप उसको भी याद कर सकते हो, वो भी एक तरीका है, क्योंकि आपने एल्केन का फॉर्मूला आपको पता था जनरल, इसलिए। लेकिन मैं ऊपर वाले से करता हूं, तो मैं ऊपर वाले से आपको सिखाता हूं। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास ये 5 लीटर है, राइट, और इसको 25 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कंप्लीट कंबस्टन के लिए, राइट, ठीक है। इफ ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द एल्केन इज, ठीक, चलिए इसको करते हैं। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना, अब मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि आप ऊपर वाले तरीके से करते तो क्या होता, फिर मैंने जो नीचे वाली रिएक्शन दिखाई है आपको उससे करेंगे तो क्या होगा। मैं आपको बस अभी सोचना सिखा रहा हूं, मैंने तो अभी आपको कुछ नहीं सिखाया, राइट, मैंने आपको यह बताया कि एक जनरल फॉर्मूला होता है CXHY का, और एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं CnH2n+2 के टर्म में भी, क्योंकि उसने हमसे एल्केन कह दिया है। अच्छा, अगर मैं ऊपर वाली रिएक्शन में गे-लुसैक लॉ लगा दूं तो मैं क्या बोलूंगा, सर इसकी स्टोइकोमेट्री है 1, तो 1/5 will be equals to, इसकी स्टोइकोमेट्री है x+y/4/25, सही है, इतना हमने सीखा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर ऐसा है तो अब क्या होगा, 5 5 = 25, सर x+y/4 की वैल्यू आ जाएगी 5, x+y/4 की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, 4x+y = हो जाएगा 20, 4x+y = हो जाएगा 20, ठीक है।
मैंने आपसे कहा क्या आपको प्रोपेन का फॉर्मूला पता है, आपने कहा हाँ सर, प्रोपेन मतलब तीन कार्बन और CnH2n+2 के हिसाब से C3H8, यहां बन गया C4H10, यहां बन गया C2H6। और आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा सर, जो ब्यूटेन का होगा वही आइसोब्यूटेन का होगा, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फॉर्मूला सेम ही रहता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने आपसे कहा एक काम करो, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है, इन एक्स और वाई को उठाकर पुट करो अपनी इक्वेशन में और चेक करो कौन सा एक्स और वाई सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपने कहा ठीक है सर कर लेते हैं। तो मैंने कहा एक्स की वैल्यू 3, पहले मैं डी ऑप्शन कर रहा हूं, तो 4 3 12 और +8 20 आ गया। हाँ सर डी ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि आंसर तो डी हो गया। मैंने कहा सी लगा कर देखो, आपने कहा सर 4 4 16 + 10 ये तो 26 आ गया, नहीं ये 20 के बराबर नहीं है। मैंने कहा ये लगा कर देखो, तो आपने कहा 4 2 8 + 6 सर ये 14 आया, ये भी बराबर नहीं है और ये तो है ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया डी। ये हमने किससे किया, पहले वाले तरीके से। अगर मैं दूसरे वाले तरीके से करता तो क्या होता, तो मुझे सीधे एन की वैल्यू पता चलती क्योंकि एक ही वेरिएबल था। तो अब मैं आपको दूसरे वाले तरीके से एक बार करके दिखा दे रहा हूं, यह तरीका सदाबहार है, यह हमेशा काम आएगा, आप पहला तरीका ही रखो। लेकिन चूंकि लोग कहते हैं कि अरे आपको इसमें सारे ऑप्शन लगाकर चेक करना पड़ा, आप दूसरे तरीके से करते तो जल्दी हो जाता, तो वो भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, अच्छा मेथड पहला ही है, बार बार कह रहा ये दे रखा है ना, तो 1/5 इज इक्वल टू 3n+1/2/25, 5 5 = 25, 3n+1/2 इज इक्वल टू 5, यानी कि 3n+1 इज इक्वल टू 10, 3n इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 आ गया। फॉर्मूले में डाल दो CnH2n+2 में, तो ये आ गया C3H8, यानी कि प्रोपेन। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हो, राइट, आपकी मर्जी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जेई ने ये क्वेश्चन गलत पूछा था जो मैं अगला आपको कराने जा रहा हूं, लेकिन आपको तो कंसेप्ट सीखना है तो मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं। क्वेश्चन लिखिए, 2016 मेन में आया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। 2016 मेन क्वेश्चन लिखिए, एट 300 केल्विन एंड 1 ATM 15 ml ऑफ गैशियस हाइड्रोकार्बन, आपके पास गैशियस हाइड्रोकार्बन है कितना, 15 ml, रिक्वायर्स 375 ml एयर कंटेनिंग 20% O2 बाई वॉल्यूम। फॉर कंप्लीट कंबशन फॉर कंप्लीट कंबशन आफ्टर कंबशन द गैसेस ऑक्यूपाई आफ्टर कंबशन द गैसेस ऑक्यूपाई 330 ml, अज्यूमिंग दैट द वॉटर फॉर्म्ड Assuming that the water formed is in liquid form and the volume
वर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज, द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज ऑप्शन ए. अच्छा क्वेश्चन है बट जेई ने ऑप्शन गलत दे दिए थे. एक्चुअली तो सवाल ही गलत था, वो मैं आपको भी बताऊंगा कैसे. तो वीडियो को पॉज करें, सबसे पहले करने की कोशिश करें खुद से, नहीं होता है तो फिर मैं आपको कराऊंगा. सोचें क्या क्या दे रखा है और उस हिसाब से फिर क्वेश्चन को आंसर लेकर आएं. क्वेश्चन को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, जैसा जैसा वो कहता जा रहा है बस वैसा वैसा आप करते चलिए. देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सर गैशियस हाइड्रोकार्बन को जलाया है तो पहले तो सर रिएक्शन लिखो जो आपने बताई थी. अब यहां पर देखो CnH2n काम नहीं आएगा क्योंकि आपको नहीं पता हाइड्रोकार्बन एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है. तो इसलिए ये वाली जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी ये सदाबहार है, ये हर जगह चलती है. तो जैसे मैंने रटी है ऐसी आप रट लो इसको, बैलेंस कर सकते हो बट एग्जाम में क्यों करनी है बैलेंस. आप सीधे सीधे रटो ना, जब 60% क्वेश्चन में जेई सेम रिएक्शन पूछ रहा है इसका मतलब जेई की फेवरेट रिएक्शन है ये, तो हम इसको विद बैलेंसिंग याद कर लेंगे ताकि एग्जाम में टाइम बच जाए. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 केल्विन और 180 प्रेशर पर आपके पास 15 ml गैशियस हाइड्रोकार्बन था और उसको जलाने के लिए आपको 375 ml एयर लेनी पड़ी जिसका 20% बाई वॉल्यूम O2 था. यानी कि जो आपने 375 ml एयर ली उसमें केवल उसका 20% ही क्या थी, O2. तो O2 कितनी यूज हुई, सर 375 का 20% लेना है मेरे को तो 10% हो गया 37.5, तो 20% हो गया 75, राइट. यानी कि आपने एक्चुअली 75 ml O2 यूज करी, इसका मतलब 300 ml एयर आज भी एज इट इज पड़ी हुई है वहीं कंटेनर में, उसका कुछ नहीं हुआ, ठीक है. और 75 ml से आपका हाइड्रोकार्बन पूरा जल भी गया, अच्छी बात है. फिर कह रहा है कंबस्टन के बाद जो गैसेस बची उस कंटेनर में उसका जब वॉल्यूम नापा गया तो वो आया 330 ml, ठीक. और आगे कह रहा है आप मान लो पानी जो बना है वो लिक्विड है, यानी कि गैस कौन सी बनी होगी, CO2, राइट. और 300 ml देखो बाहर से भी आ रही है जो आपकी यूज ही नहीं हुई थी, वो 300 ml अभी भी कंटेनर में है, याद रखना. बस यहीं पर गड़बड़ हो जाती क्या कि जो 330 ml आया उसमें 300 ml कौन था, सर जो पुरानी गैस आई जो यूज ही नहीं हुई, पता नहीं क्या थी वो. तो CO2 कितनी बनी, सर एक्स्ट्रा 30 ml जुड़ते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब CO2 30 ml ही बनी होगी. मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्या आप गेलोसेक लगा सकते हो, आपने कहा सर कैसे, मैंने कहा इसकी स्टोइकियोमेट्री अपॉन इसका वॉल्यूम यानी कि 1/15 इज इक्वल्स टू x/30 कर दो, 15 × 2 = 30, x आ गया 2. अब मजे की बात यह थी किसी भी ऑप्शन में x की वैल्यू 2 थी नहीं, ठीक है. तो जो जेई ने ऑप्शन दिए थे वो मैच ही नहीं कर रहे थे. तो मैं आपको बताता हूँ इससे एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, फिर मैं ये बताता हूँ इनमें से जो ऑप्शन वो लाना चाह रहे थे जेई वाले वो कैसे आएगा. तो देखो x इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है. अब y निकालना है तो एक बार इसमें और इसमें लगा दो, चलो लगाते हैं. तो या फिर इसमें और इसमें लगा दो जो सरल पड़े, तो मैं पहले और दूसरे में लगा देता हूँ, तो अगले पेज पर लगाऊं या फिर यहां लगा देता हूं. 1/15 इज इक्वल टू x की वैल्यू तो निकाल ली ना, तो 2 + y/4/75, 15 × 5 = 75, ये आ गया 2 + y/4 = 5.
अगले पेज पर कर लेते हैं, 2 + y / 4 = 5, 8 + y = 20, y आ गया आपका 12, तो सी एक्स एच वाई क्या आ गया, C2H12 यानी कि CH6। हाइपोथेटिकल फॉर्मूला आ गया, CH4 ही हो सकता है मैक्सिमम, कार्बन की चार ही वैलेंसी हो सकती है, 6 हाइड्रोजन कभी भी नहीं जुड़ सकते, तो ये क्वेश्चन जेई ने गलत पूछा था जिसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। ठीक, अब कहां गलती हुई, जेई वाले जो थे अगर 330 ml की जगह 345 ml कर देते यहां पर तो आंसर कोई ना कोई मैच कर जाता। तो अब आपका काम क्या होगा, आप इस 330 ml की जगह 345 ml करोगे तो CO2 का जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 45। फिर से लगाना ये गेलोसेक वाला तरीका और सॉल्व करना, और ऑप्शन मुझे कमेंट में बताना आपका क्या है। ठीक, ये आपका काम होगा, तो आपके लिए एक नया क्वेश्चन बन गया, इसी टाइप का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन में कुछ नहीं करा हमने, जैसा जैसा वो हमसे कहता गया हम वैसा वैसा करते चले गए और हमारा आंसर अपने आप आ गया। ऐसे ही आपको करना है, जैसा जैसा वो कहता जाए वैसा वैसा करते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, हम लोगों ने गेलोसेक देख लिया, एवोगैड्रो देख लिया, अब कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मासेस की। राइट, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।